अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये 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 और ये सब को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तो आप क्या बताएंगे? क्या माल है यार? अरे बहनचोद बवाल, अरे बहनचोद, मर्डर डेयरी कहाँ कहाँ ब्रांच खोल के रखी है? बताओ भाई, जाओ कमेंट में जाके लिखो कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। और जब तक जो लोग नहीं लिख रहे, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग हराम ज़्यादा हो कुछ जो नहीं लिखेंगे, उनको मैं ये बता देता हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो की नहीं बना रहा था, तो हाँ दादी की डेथ हो गई और फिर ये क्या कहते हैं एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, महीना बहुत ख़राब है, तो इसलिए वीडियोज नहीं आ रही। लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो ले आया है, तो इसलिए लाइक कर दो। और कुछ हराम ज़्यादा लाइक भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो सीधे टॉपिक पर आ जाता है जिसके लिए तुम लोग यहाँ पे आए हुए हो। तो देखो, जिन लोगों को मैंने ये फोटोज़ दिखाई, अगर उन्होंने वन पीस देखा होगा तो उन्हें साफ साफ समझ में जाएगा, अरे भाई ये वन पीस की कैरेक्टर्स है सारी की सारी। पर जिन लोगों ने वन पीस नहीं देखा है, वो क्या सोचेंगे कि ये कोई हेंटाई है? ऑफ कोर्स भाई, मैंने वन पीस अब तक पूरा नहीं देखा, ठीक है। 600 प्लस एपिसोड देखे, 700 होने ही वाले हैं, 87 कुछ पे हूँ। बट तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम लोग नरूटो को वन पीस से कंपेयर करते हो, और कई ज़्यादातर लोग तो वन पीस को उससे अच्छा बता देते हैं नरूटो से। तुम और उसके फीमेल कैरेक्टर्स, वन पीस के फीमेल कैरेक्टर्स, जितना जितना टाइम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितने जितने अपने एपिसोड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई करे ही जा रहे हैं भाई। मतलब तुम थोड़े से बात सीन दिखाते थे स्टार्टिंग के अंदर, थोड़ा सा मतलब अडल्ट कॉमेडी रखते थे, वो मुझे सब समझ में आता है, सब उल्टा मुझे तो अच्छा लगता है जब भी ऐसा कोई सीन आता है। मैं तो वो ऐसा करता हूँ, क्या ही प्यारे हैं सीन, वाह 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 वाह। और वो सीन में कभी कभी मम्मी भी कमरे में आ जाती है, फिर मैं ओहो ऐसा करना पड़ता है कि ये कौन सा कार्टून से देख रहा हूँ मैं। छोड़ो भाई, ये बात अपन बाद में करेंगे। एक बार पापा आ ही गए थे, वो गांड तोड़ने वाले थे, बच गया वो, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। बंद करना पड़ेगा ये सब देखना। एक लिमिट होती है ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए भाई। जब मैं ये कुछ 656 ऐसा कुछ एपिसोड था, जिसके अंदर वो बच्चे जैसा वो लगा के नंदा वो खा रहा था टमाटर, और खाते खाते उसका मुंह गंदा हो गया। तो बगल वाली लड़की उसको बोलती है कि तुम ऐसे खाओगे तुम्हारा मुंह गंदा हो जाएगा, ये वो, तुमको नैपकिन की ज़रूरत है। तो वो बंदा उसकी ब्रा खींच कर अपना मुँह साफ करता है और उसे फेंक देता है, लिटरल। इसके बाद मैंने बोला भाई अब बस हो गया, अब मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी, इस चीज़ को बोलना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है भाई। तुम लोग लिटरली वन पीस को अपने नरूटो से कंपेयर करते हो, लोग कहते हैं कि वो उससे ज़्यादा अच्छा है। अरे वन पीस की लड़कियों को लिटरली ऑब्जेक्टिफाई कर रहा, उन्हें दिखाया जा रहा है कि क्या माल है यार, ये है वन पीस की लड़कियाँ, और नरूटो की यूजलेस। छोड़ो यार, गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। सॉरी। अब तुम लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ लोगों को बोला हमको तो यही चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जिनको 2 साल का गैप आया था उनके अंदर, कि लूफी ऐसे कर देता है कि हाँ भाई दोस्त ये इसकी डेथ के बाद कि हम 2 साल बाद वापस मिलेंगे सारे क्रू, और तब जाके हम आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी के अंदर, तब तुम लोगों को ध्यान होगा तो सबकी बॉडीज़ के अंदर क्या क्या डिफरेंस आया होता है। क्या तुम्हें ये याद है, ज़ोरो की एक आँख कटी थी, लेकिन उसकी बॉडी जो थी पूरी एकदम ड्रिप्ट हो गई थी और ऐसे पूरा बल्की हो गया था, वो क्रेजी लग रहा था। 10-15 एपिसोड बाद वो सारा एकदम वापस वैसा ही फिगर उसका वो हो गया मेंटेन, जैसे कि वो पहले था, लिटरल वैसा का वैसा हो गया। सांजी की इतनी सी दाढ़ी बड़ी, चॉपर का इतना सा सर बड़ा, लूफी की इतनी सी हाइट बड़ी, सॉरी इतनी नहीं इतनी, बट रॉबिन और नामी के इतने बड़े, आधे से ज़्यादा अपना वन पीस निकल गया। और मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि पुराना है तो फिर चलो एनिमेशन कम होगा, धीरे धीरे और अच्छा होगा। अच्छा सिर्फ एक ही जगह हो रहा है इनका एनिमेशन, मैं तभी समझ गया था भाई इनका क्या क्या सोच रहे हैं इसके क्रिएटर, मुझे साफ दिख रहा है। और दिस वीडियो इज़ नॉट रिव्यू, क्योंकि अगर रिव्यू होता तो इसमें अच्छी बातें ही बताता, पर मैं किसी की एक बुरी बात को पकड़ के बैठा हूँ कि भाई तुम इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कैसे कर रहे हो, वो भी इतना ज़्यादा, लिटरल इतना ज़्यादा। मैं मना नहीं करता भाई, मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं ऐसी, मतलब जैसे जब भी रॉबिन को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है बढ़िया है, क्या क्रेजी बंदी है। नामी के लिए भी अच्छी लगती है, बट लिमिट होती है ना भाई, लिटरल लिमिट होती है। जब तुम खुद ही अपने फीमेल कैरेक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो बाकी पब्लिक क्यों करेगी? सारी बातें करने लग जाऊँगा तो वीडियो मतलब हो जाएगी, रिव्यू है नहीं, मैं रिव्यू जैसे कंप्लीट होगा वैसे डाल दूँगा। गवार तुम लोगों को मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि रिव्यू डालूँ या नहीं डालूँ, उसके अंदर लोगों ने 50-50% वोट कर दिया हाँ या ना को। अरे भाई मैं पहले क्या कम कन्फ्यूज हूँ, तुम और कन्फ्यूज़ कर रहे हो। तो अब जब वन पीस पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तब उसका रिव्यू आएगा,
अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो नहीं आएगा, तो लाइक वगैरह कर देना। और उसके अंदर मैं अच्छी बातें भी जो मेरे को लगी वो करूँगा, जो बुरी बातें लगी जिसमें ये एक मैंने यहाँ पर कर दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। इतना ऑब्जेक्टिफाई लड़कियों को इतना ज़्यादा। तो अब इस वीडियो को तुम लोग लाइक वाइक कर दो और कमेंट भर भर के कर देना कि तुम्हें कौन पसंद है, क्या ये चीज़ सही है गलत है, तुम्हें कैसी लगती है नारुतो या वन पीस में तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है, ये सारी चीज़ें तुम कमेंट कर देना। और भोला मूवी पे भी रिव्यू आने वाला है और इस मूवी का रिस्पांस अच्छा होना ही चाहिए वरना नहीं आएगी अगली वन पीस की वीडियो। एनिमे के ऊपर मैं कम बात करता हूँ क्योंकि मैं कम एनिमे देखता हूँ, हालांकि इस साल तो मैंने कुछ ज़्यादा ही एनिमे देख लिए हैं। चलो अभी तक के लिए बाय बाय करते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अलविदा, खुदा खैर और जो भी बहुत कुछ बोलते हैं। मैं आउटरो इतना बड़ा क्यों कर देता हूँ यार, चलो ठीक है बाय करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सॉरी।